अरे बाबा घुस जाओ मोबाइल में, मर जाओ मोबाइल में, पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है कि नहीं? आखिर तो सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सेल ट्यूटोरियल्स में डालोगे। क्या इनाई श्यामा अफसर, तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होंगी? जब आप मुझे वसीम सेल ट्यूटोरियल्स में डालोगे तब। क्या दिन रात क्या सोता रहेगा? आखिर पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल में डालोगे। अब स्टडीज को लेकर सब होंगे सीरियस, क्योंकि वसीम सर ट्यूटोरियल्स में ही मिलेगा आपको वन ऑन वन टीचिंग एक्सपीरियंस, जहां पर हर एक स्टूडेंट को एक टीचर अलॉट किया जाएगा, ताकि स्टडीज में स्टूडेंट का फोकस बना रहे। हमारे टीचिंग मेथड को समझने के लिए आज ही हमें कॉन्टेक्ट करें। पुणे में दो दोस्तों के बीच सड़क पर हुआ खूनी खेल, पुलिस ने किया हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पुणे के पांडव नगर के गोलंदाज चौक पर शुक्रवार 29 मार्च को लोगों को एक खूनी खेल दिखाई दिया। इस खूनी खेल में किशोर धोत्रे और शंकर मीरेकर, ये दोनों एक दूसरे के पूर्व परिचित पुराने दोस्त, इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलिस के दी गई जानकारी के अनुसार दोनों की शिकायत ली गई है और दोनों के खिलाफ धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। और जानकारी कुछ इस तरह से है कि मीरेकर धोत्रे की पत्नी फोन पर बात करता है, इसी शक के चलते ये पूरी घटना घटी है। गोलंदाज चौक पांडव नगर, इस परिसर में एक चाय की दुकान पर दोनों मिलने आए किशोर धोत्रे और शंकर मीरेकर, और उसी दौरान ये पूरी खूनी घटना घटी है, जिसमें कोयते से एक दूसरे पर वार किए गए। फिलहाल ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से दोस्ती में बीच सड़क पर ही यह खून खराबा हुआ है, जिसमें पुलिस ने दोनों तरफ से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।